लिव 26, अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये आपसे पहले एक बार कमल हसन जी ने पिक्चर की थी अप्पू राजा, जिसमें उन्होंने बौने का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी। लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म के लिए आनंद एल राय जी ने बहुत सारे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था, उसमें से सलमान खान भी थे, तो आपने जब ये फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके? एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊंगा, ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर है यार तू देखो कर दे। सो एक सेकंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वॉज दिस कि मैं इस पिक्चर में हूँगा ज़रूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें, वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें। उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार, चलना तो यार टाइम करो छोटे आदमी को, किसी को मास्क पहना बच्चे को पहना, तो हमने वैसा नहीं किया। लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग, ये बहुत कम लोगों को मालूम है और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार। सी इफ आई वॉज लिसनिंग टू अ फिल्म फॉर वट एवर रीजन्स एंड इफ आई वॉज पार्ट ऑफ इट, फॉर हिम टू रिमेंबर दैट अ ईयर लेटर और मंथ्स लेटर व्हेन द फिल्म वॉज एक्चुअली बीइंग टोल्ड टू कटरीना to come back and say yaar is picture mein mujhe karna zarur hai because I've heard this film, so I think that was very dignified and decent and loving of him of course as a friend, so that was the reason.